नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। तकरीबन एक महीने का वेस्ट इंडीज दौरा खत्म हो गया। इस दौरे पर तीन फॉर्मेट थे, भारत ने क्लीन स्वीप किया। दरअसल 8 मैच होने थे, एक मैच बरसात के कारण धुल गया था। सातों के सातों मैच भारत ने जीते हैं, कल टेस्ट मैच भी जीता। टेस्ट सीरीज भारत ने 2-0 से जीती और 1952 से भारत वेस्ट इंडीज का दौरा कर रहा है। ये इतनी बड़ी कामयाबी कभी भारत ने देखी नहीं वहां पर। तो इस लिहाज से विराट, जो कल भारत के सफलतम टेस्ट कप्तान बन गए, उनके लिए, उनकी टीम के लिए बड़ी कामयाबी है। विराट ने बाद में कहा, इस जीत का श्रेय जाता है तेज गेंदबाजों को। शायद इन तेज गेंदबाजों के चलते भारत की तूती इस वक्त पूरी दुनिया में बोल रही है। अब गेंद मेरे हाथ में भी है। मदन जी तेज गेंदबाज भी रहे हैं, वेस्ट इंडीज के कई दौरे भी इन्होंने किए हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह भारत खेल रहा है, यहां से अब भारत को टेस्ट क्रिकेट में दुनिया की बाकी टीमें इतना चैलेंज नहीं कर पाएंगी। विराट ने दौरे की शुरुआत वर्ल्ड कप की हार और रोहित के साथ कप्तानी को लेकर तकरार के बीच शुरू की थी। हर गुजरते दिन के साथ वो निखरते गए और विवाद मानो बिखरते गए। हिंदुस्तान के हर कप्तान के लिए जो सपना था वो विराट के लिए सच। एक भी मैच गंवाए बिना वो अपने दलबल के साथ लौट रहे हैं। मगर तोहफा सिर्फ इतना नहीं, तोहफे में उन्हें कई नेमतें मिली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अभियान में इंडिया की जान का परचम लहराने की गारंटी बन सकती है। आई थिंक नॉट जस्ट दीज 4 days बट द होल सीरीज। आई थिंक द फाइनल ऑफ द सीरीज हैज टू बी हनुमा विहारी, द वे ही इज बैटेड अंडर प्रेशर स्पेशली एंड ऑन अ मच मोर चैलेंजिंग विकेट हियर इन जमैका देन एंटीगा। आई थिंक हिज स्किल सेट्स वर आउटस्टैंडिंग, हिज टेम्परमेंट एंड हिज टेक्निक वर you know top notch and he countered everything that the opposition threw at him, so very very pleased with the way he's come about. छठे नंबर का बल्लेबाज जब विरोधी टीम को छठी का दूध याद दिला दे तो दाद देनी बनती है। दाद इसलिए भी कि इसी हनुमा को 11 में रखने पर सवाल उठे थे और शायद सवाल गैर वाजिब नहीं थे, मगर हनुमा ने जवाब ऐसा दिया कि सवाल स्वाहा हुए। एक शतक और 2 अर्धशतक के साथ इस सीरीज के सबसे कामयाब बल्लेबाज हैं हनुमा। मुश्किल पिचों पर 96 का औसत बहुत कुछ कहता है। आखिरी टेस्ट में उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। और जो समस्या विराट के लिए सरदर्द बनी थी वो भी सीरीज में जाती रही। रहाणे रंग में आए, मध्यक्रम मजबूत हो गया। कमजोर फॉर्म से कॉन्फिडेंस तक गंवा चुके रहाणे अपनी सारी शक्तियों को समेट कर इंडिया के लिए संकट मोचक बने और अपने करियर को भी संकट से बाहर ले गए। इस सीरीज में भारत के उपकप्तान ने 271 रन बनाए, एक शतक जमाया और 2 अर्धशतक, औसत 90 का। विराट अपने नायब के लिए बेहद खुश है। आने वाली मुश्किल सीरीज में रहाणे की फॉर्म बहुत काम आएगी और ये गेंदबाज आज की तारीख में भारत की गेंदबाजी का विराट कोहली। दुनिया का कोई ऐसा ड्रेसिंग रूम नहीं जहां बुमराह की बातें ना हो रही। 4 गेंदबाजों के साथ लगातार 2 टेस्ट में 20 विकेट चटकाने का चमत्कार ऐसे सुपर स्ट्राइकर्स की वजह से ही संभव हुआ। All we can say is we are really lucky to have him in our team. Very rarely do you find a pack of bowlers who are hunting together and you know bowling for each other, bowling in part. 13 विकेटों के साथ बुमराह सबसे आगे रहे, मगर 11 विकेट ईशांत के भी हैं और 9 विकेट मोहम्मद शमी के भी। इन तीनों का औसत बता रहा है कि ये हमले वाकई खेर कर करते हैं। कमाल की बात यह है कि इस गेंद से बल्लेबाजों को डर लगता है। इस गेंद से भारत के बल्लेबाजों को डर लगता था, लेकिन अब तो आलम यह है कि इस गेंद से भारत के गेंदबाज दुनिया को डरा रहे हैं। ये एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वक्त जरूर लगा है और इसका श्रेय विराट कोहली को जाएगा, क्योंकि इनसे पहले धोनी को शायद लाइन लेंथ गेंदबाज चाहिए होते थे, लेकिन विराट कहते हैं मुझे तेज गेंदबाज चाहिए, सिर्फ तेज गेंदबाजी चाहिए।
नहीं देखिए, उन्होंने बिल्कुल अच्छा सच किया है इस सिचुएशन को, क्योंकि देखिए आपके पास अगर तेज फास्ट बॉलर हैं, तीन चार फास्ट बॉलर ऐसे हैं जो कि आपको मैच जिता सकते हैं, आप रन जितने मर्जी बना लीजिए पर आपको 20 विकेट लेने हैं, 20 विकेट लेना बड़ा जरूरी रहता था भारतीय टीम के लिए। और देखिए एक कैप्टन के लिए ये कमियां जो होती हैं इनको पूरी करना, उनको निखारना और उसको उभर कर आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और क्या है कि भारत की देखिए ये इतनी बड़ी जीत है, कभी आज तक वेस्ट इंडीज में कभी कोई सीरीज 318 रन से 257 और क्लीन स्वीप जिसको कहते हैं, नहीं पूरा दौरा क्लीन स्वीप हुआ एक तरह से। हाँ, सबसे बड़ा क्लीन स्वीप हुआ मेरे मिजाज। और सबसे अच्छी और बात यह है कि देखिए आज भारत का, जैसे अभी आप कह रहे थे कि भारत का आज दबदबा है टेस्ट क्रिकेट में, ऐसा नहीं टीमें ये सोचती कि हाँ भारत में जाएंगे और उसको हरा देंगे या कुछ, ऐसा ऐसा नहीं है। अब वो डरते हैं भारत से कि यार हमने सीरीज अगेंस्ट इंडिया खेलनी है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा विराट के लिए, विराट ने जो लीड किया मेरे विचार में बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि देखिए एक तो अपनी परफॉर्मेंस ठीक रखना और उसके बाद डिसीजन लेना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, चाहे वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ही लेता है। ये बात सही है, क्योंकि उससे होता है। एक बैट्समैन जरूर है विराट कोहली, खुद दुनिया के आप देखिए स्टीव स्मिथ आज नंबर एक बन गए हैं रैंकिंग्स में, विराट नंबर दो, एक ही पॉइंट का फासला है। लेकिन एक कप्तान को अगर हम ये कहें कि गेंदबाजों का कप्तान है तो गलत नहीं होगा। और आप देखिए इस दौरे पर भी देखिए उन्होंने अपने तेज गेंदबाजों को किस तरह से बैक किया। सीरीज भी जीता हिंदुस्तान, धोनी को पीछे छोड़ विराट बन गए सबसे कामयाब टेस्ट कप्तान। इस जीत के साथ ही विराट कोहली एमएस धोनी को पीछे छोड़कर भारत के सबसे कामयाब कप्तान बन गए। उनके नाम अब 28 टेस्ट में जीत हैं। साथ ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में दो टेस्ट जीतने वाली पहली टीम भी बन गई है। सबसे ज्यादा 120 अंकों के साथ वो पहले पायदान पर है। इस सीरीज में ज्यादातर खिलाड़ियों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है, इसीलिए कप्तान भी इस जीत का सेहरा पूरी टीम के सिर बांध रहे हैं। Well, it's, I mean, a byproduct of this quality team that we have here, to be honest. If you didn't have the kind of bowlers that we have, I don't think the results are possible. Yes, you can score as many runs as you want, but if you look at these guys running in and putting their heart in, I mean, Shami's spell today, Bumrah after, you know, having a small niggle, Ishan bowling his heart out, Jadeja bowling a long spell. So, I don't think without these bowlers it would have been possible. So, I think all the credit has to go to the whole team. You know, the captaincy is just a scene in front of your name, honestly. जीत के बाद खिलाड़ियों का जोश बुलंदियों को छू रहा है और मौका अब टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का जश्न मनाने का है। आज तक ब्यूरो। हनुमा विहारी की बात की उन्होंने और वाकई हनुमा विहारी ने इन दो टेस्ट मैचों में छलांग लगाई है। उन्होंने टेम्परामेंट दिखाया, उन्होंने स्किल दिखाई, मैन ऑफ द मैच भी रहे, लेकिन कुछ एक सवाल तो हैं अभी भी। अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें, हनुमा विहारी अजिंक्य रहाणे इन दोनों के लिए दौरा शानदार रहा। हालांकि अगर आप विराट कोहली की बात करें, उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से, उनके पैमाने के लिहाज से ये दौरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था बल्ले के साथ, लेकिन शायद ये एक महीने से पहले जो कप्तानी की बातें उठी छोटे फॉर्मेट में, वर्ल्ड कप की हार, रोहित शर्मा से रिफ्ट की बातें आई, शायद वो उनकी बैटिंग में भी उसका असर दिखा। लेकिन जिन्होंने निराश किया वो है पुजारा, मयंक अग्रवाल और केएल राहुल। देखिए ये जो आपने नाम गिनाए ये चिंता वाली बात है, क्योंकि ये जिस स्लॉट पे खेलते हैं ओपनर वहाँ पे देखिए अच्छा एक स्टार्ट मिलना बड़ा जरूरी है। पर विराट कोहली की परफॉर्मेंस ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं रही, पर फाइनल एंड ऑफ द टूर में बड़ी पारियाँ उन्होंने जरूर खेली। हाँ खेली हैं। देखिए फॉर्म में रहना बड़ा जरूरी है, पारियां खेलना मिलना जरूरी है, ये नहीं कि एक बार बैटिंग में कई बार होता है कि आप सुपर फ्लॉप हो जाते हैं, ऐसा नहीं हुआ जैसे पुजारा के साथ। हाँ जैसे पुजारा के उनका साथ दौरा बहुत ही खराब है। हाँ बहुत ही खराब गया, बट ऐसा होता है कि कई बार होता है ऐसा क्रिकेट में। देखिए उसकी सीरीज पहली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने बहुत रन बनाए, पर ये यहाँ पर जो मैन ऑफ द मतलब निकल के आए हैं इस टूर के मिट्टी में कह सकते हैं हनुमान विहारी, उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया, अप्लाई कैसे करते हैं बहुत अच्छा लगा उनका। और यू नो उनको गेम के, मेरे को लगता है कि गेम की जो खेलने का ढंग है वो बहुत है, ऑफसाइड ऑप्शन अगर देखें पका हुआ चावल है ना, पका हुआ चावल। और स्कोरिंग एरिया जो है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन बैटिंग करते हैं। बुमराह, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, मैं बार बार आपसे पूछता रहा हूँ, एक बार फिर पूछता हूँ, क्या ये दुनिया की सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाजी तिकड़ी है? देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको व्हाई दे आर द बेस्ट, क्यों अच्छे, क्योंकि देखिए इतनी स्पीड में अगर आप गेंद आगे से मूव कराते हैं तो आपको
99.9% विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो स्लो है, ऐसे तेज में देखे बाकी भी वर्ल्ड के जो बॉलर्स हैं वो तेज जरूर हैं, पर मोमेंट जो हमारे बॉलर्स के पास है वो किसी के पास नहीं है। इसी वजह से आज देखिए तीनों अलग अलग भी हैं, तीनों अलग भी हैं, अलग अलग भी। हाँ देखिए अशांत शर्मा टॉल है, वो हाइट से गेन करता है, उसमें थोड़ा उसको बाउंस कैरी करता है। कहते हो क्या मोहम्मद शमी की अगर बात करें, वो निप्पी है जिसको कहते हैं ना, कई बार इतना तेज गेंद करता है कि बैट्समैन को पता भी नहीं लगता कि इतना ज़्यादा तेज आएगा। पर जसप्रीत बुमराह का एक्शन पकड़ना, इतना ऑकर्ड उनका एक्शन है, इतना डिफरेंट एक्शन है, और उसमें मोमेंट कराना, और यहाँ से ये बड़ा जरूरी है विक्रांत, जो मर्जी आप जितनी मर्जी टैलेंट आया आपके पास, अगर आप अपना सही इस्तेमाल नहीं करते दिमाग का, कैसे बल्कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो होम सीरीज है, फिर तीन टेस्ट मैच आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलने हैं, दो टेस्ट मैच आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं अगले तीन महीने में, इंडिया क्या करे? इंडिया फिर वो टर्नर्स पे चले जाए, वही गड्ढे खोद दे, या आपके पास अच्छे तेज गेंदबाज हैं, आप अच्छी विकेटों पर टेस्ट मैच खेलें, आप ऐसी विकेटों पर खेलें जहां पर इंडिया में भी बॉल सीम हो। देखिए मेरे को बहुत अफसोस होगा कि ऐसी विकेटों पे, अगर गड्ढे हुए विकेटों वाले मैं खेलेंगे। आपको लगता क्या है लेकिन किस तरह की विकेटों पे? अच्छी विकेटें मेरे ख्याल होनी चाहिए। विराट कोहली को अब मालूम पड़ गया अपने पेस बॉलरों के बारे में, वो चाहिए कि मैसेज दे कि हाँ भाई हमें अच्छी विकेट चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। और उसके साथ साथ आपकी बैटिंग भी तो साथ में डेवलप हो रही है ना, अच्छे अच्छे बॉलर के साथ अगर तेज गेंद आ रहा है तो उसमें हाँ ठीक है। पहले इंडिया में होता क्या है कि पहले तीन दिन गेंद थोड़ा जाना चाहिए, उसके चौथे पांचवें दिन गेंद अगर टर्न करता तो उसको अच्छी विकेट कहते हैं हम, ये नहीं है कि बॉल टर्न नहीं है। यहाँ पे भी टर्न किया है बॉल ने, ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज में गेंद ने टर्न नहीं किया, पर यह है कि ऐसा ना हो कि पहले दिन से ही टर्न करना शुरू कर दे। सही बात। और हमें पता लगे भी लो जी ये तो मैच जो है तीसरे नतीजे भले आपके आपके फेवर में आ जाएंगे, लेकिन अब एक बड़ी टीम की तरह शायद इंडिया की ये भी जिम्मेदारी बनती है कि जो टेस्ट क्रिकेट मर रही है उसको जिंदा भी रखा जाए, और उसको जिंदा रखना बड़ा जरूरी है कि आप बैलेंस रखें कंडीशंस का। सामने वाली टीम है एशेज, देखिए ना इंग्लैंड कभी जीतता है कभी ऑस्ट्रेलिया जीतता है, उसमें मजा तो आ रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।